दस साल मैंने जैसे भी देखे, मैंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। 25 मई को एक तरफा कन्हैया के लिए वोट डल रही है और मनोज तिवारी जा रहे हैं। जो प्रत्याशी भारत के टुकड़े मरवा रहा है, वो किनवार पूरी भी चला पाएगा क्या? अरे जो भी आज लोग बोलते हैं ना कि आटा 400 किलो हो जाए, पेट्रोल 500 हो जाए, जिस दिन ये 400 से क्या 250 भी हो गया ना आटा, उस दिन ये दुआ के भागेंगे बीजेपी वाले। मेरा सवाल यही है कि सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं होगी देश में, देश को चलाना है तो विकास भी जरूरी है, आर्थिक कार्य भी जरूरी है, बेरोजगारी दूर करनी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलता। अलावा आर्थिक स्तर की अगर बात करी जाए तो वहीं देखेंगे प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती ही रहेगी। ऐसे आर्थिक स्थिति में भारत पिछले 10 सालों में आगे बढ़ा है। अगर आप मोदी जी से पूछे ना उन्होंने देश के लिए क्या किया, राम मंदिर बना दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या किया, राम मंदिर बना दिया। जनता के आगे रो रहा है, हमने शेर पैदा करा था, गीदड़ पैदा नहीं करे जो रो के दिखा रहा हमें। मोदी खाली रोता है, भाषण नहीं देता, रो रहा है। जहां भी आता है वहां आंसू घघराता है कि मुझे बचा लो, मैं गया, मुझे बचा लो। जनता के आगे रो रहा है, हमने शेर पैदा करा था, गीदड़ पैदा नहीं करे जो रो के दिखा रहा हमें, ठीक है ना? ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा, पता नहीं क्या ही रहे। और क्या, बनारस में नहीं रोया अभी परसों? क्या रोया? मोदी। हमें तो नहीं लग रहा अंकल जी रोया। रोया बनारस में, रोया अभी परसों, देख लिया वीडियो में, आएगा कल पता चल जाएगा। बनारस में रोया अभी, वोट के समय आता है सब रोता है, कोई पहचान नहीं है भाई। यहाँ से कांग्रेस नहीं जीतेगी, चेक आगे देख लेना 4 जून को। अच्छा 4 जून को भाई बुला रहा है। 25 मई को एक तरफा कन्हैया के लिए वोट डल रही है और मनोज तिवारी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, हार रहे हैं। पिछली बार मनोज तिवारी जी 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के जीते थे, मार्जिन से जीते थे। यही 4 जून को दोबारा से रिजल्ट आने वाला है और यहाँ की भी जनता और देश की भी जनता सारी देखेगी कि किसको चुना है, क्योंकि अब जो विपक्ष पार्टी है उन्होंने इस तरीके से गठबंधन क्यों किया है? पहले तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ किया या कोई चीज के साथ किया। नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी जी या फिर बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा रही है, हर चीज बढ़ा रही है, ये लोग तो देख नहीं रहे हैं। आप मनोज तिवारी को आने की बात कर रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बौखला गए हैं इसलिए कन्हैया कुमार पे स्याही फेंक रहे हैं। वो चीज गलत है, वो जिसने भी करी है वो चीज गलत है, क्योंकि वो भी प्रत्याशी है, सांसद प्रत्याशी है, वो चीज गलत है, जिसने भी करी वो चीज गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है। जो गलत है हाँ वो नहीं फेंकनी चाहिए। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हार के डर से बौखला गए। हार के डर से क्यों बौखलाएंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से, आपने भी पूरा न्यूज लिया है, आप देख रहे होंगे किस तरीके से बौखला रहे हैं, किस तरीके से कौन बौखला रहा है, ये भी चीज पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है। आरोप लगा रहे हैं, नहीं बौखलाहटी तो है जो डाल रहे हैं, तो मुद्दे पे बात करो ना। जो दूसरा आया हम भाषण देने आया और कोई रैली करता है, हम तो नहीं डालते मनोज तिवारी पे। बस पूछा गया है उनसे बस एक क्वेश्चन किया गया है कि आप प्रत्याशी के रूप में आए हैं तो आप यहाँ पे आने के बाद या सांसद बनने के बाद क्या काम करेंगे? ये एक आम नागरिक की हक है कि वो पूछेगा। तो वही पूछा गया, बस वही पूछा गया, वो उसका जवाब। स्याही जो फेंका है वो गलत है, दोबारा मैं कह रहा हूँ स्याही फेंकना गलत है, स्याही जो फेंकी जा रही है वो गलत है। आप बताइए, अभी कन्हैया कुमार ने अभी सारे काम बताए हैं हमारे, जो कांग्रेस पार्टी के जो काम होने, 30 लाख पद जो खाली है वो भरेंगे हम, जो 30 जो है, और जो कन्हैया कुमार ने जो हमारे जो 1 लाख रुपए महिलाओं को जो दिया जाएगा, कन्हैया कुमार ने सारा मैन्युफैक्चर बताया है, ठीक है ना, जो अभी आपने भी सुना होगा। और वो जो काम जो करेंगे ना, कि काम तो बीजेपी भी की है। क्या काम किया बीजेपी ने गिनवाने की जरूरत है भाई? प्रत्याशी भारत के टुकड़े करवा रहा है, वो करा तो गिनवा पूरी भी चला पाएगा क्या? भारत आप सुनिए, सवाल उनका है, मेरा एक जवाब। जो भाईचारे जो भी आज लोग बोलते हैं ना कि आटा 400 किलो हो जाए, पेट्रोल 500 हो जाए, जिस दिन ये 400 से क्या 250 भी हो गया ना आटा, उस दिन ये दुआ के भागेंगे बीजेपी वाले। और क्या, सही कह रहे हैं भाई हमारे। सिर्फ हिंदुत्व, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं मानता हूँ कि राम मंदिर बनाए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, पर राम मंदिर के अलावा बहुत सारे देश में मुद्दे हैं, बेरोजगारी, बेटियां कहाँ सेफ हैं आज? अगर हमें अच्छा राजनेता चाहिए तो मैं नहीं कहता बीजेपी कांग्रेस, हमें ऐसा नेता चुनना है जो धर्म के साथ साथ विकास को भी लेके चले। सिर्फ धर्म से राजनीति नहीं होती, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वोट सोच समझ कर दें,
सिर्फ धार्मिक मुद्दे बनना नहीं है, विकास कार्य भी बहुत हैं देश में जो कि करने हैं मोदी जी को, अगर वो कर सकते हैं तो करें, सिर्फ धर्म के मुद्दे पे वोट ना लिए। आप तो 10 साल कैसे देखते हैं उनका? 10 साल मैंने जैसे भी देखे, मैंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। मैं नहीं बोलता कि पप्पू देश नहीं चला, बस यही है भैया मैं बोलता रहूं, भाजपा को बस एक ही चीज आती है, राहुल गांधी पप्पू है। पर ये नहीं देखा कि जो बंदा 1.5 लाख 2.5 लाख का सूट पहन रहा है, उसने किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया, बड़ी किसानों की है क्या, बड़ा क्या, दुगनी हुई किसानों की है। जीडीपी देश से 10 सालों में जितना कर्जा नहीं था ना, जितने 50 सालों में कर्जा नहीं था, मोदी जी ने 10 सालों में उसका दुगना कर्जा कर दिया। थोड़ा हल्का पीछे हो जाओ, यहाँ स्पेस बन, बात करेंगे आप ही लोग से बात, हाँ हाँ आप ही दोनों से बात करेंगे, आप ही दोनों से बात करेंगे, बताइए क्या बोल रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं होगी देश में, देश को चलाना है तो विकास भी जरूरी है, आर्थिक कार्य भी जरूरी है, बेरोजगारी दूर करनी है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलता। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम का भक्त हूँ, बट मेरा सवाल यही है कि विकास बहुत जरूरी है, सुरक्षा बहुत जरूरी है, बट मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा, एक सिंपल चीज बताऊंगा, कुछ नहीं मिला रोजगार। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उदाहरण देना चाहूंगा, जिन्होंने 40,000+ रोजगार दिया है देश में, सिविल डिफेंस जैसी एक वो बनाई है, सैलरी थी दिल्ली के, दिल्ली के, बस मैं बोल रहा हूँ। देखिए मोदी भक्तों को यही आता है, भक्त बनना है तो राम का बनो, भक्त बनना है तो राम का बनो, भारत की हमारे हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, हमारे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आर्थिक आधार पर, हमारे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया आर्थिक आधार पर क्या करा मोदी जी ने, तो मैं आर्थिक जवाब का देना चाहूंगा ना, आर्थिक स्तर पे एक सेकंड, बात तरीके से हो, आप सवाल किया है इनको भाई ना, आर्थिक आधार पे उठाया, मैं आर्थिक आधार पे बताना चाहूंगा इन्हें। भाई साहब पिछले 10 साल मैं जहाँ 10 साल पहले आप कहते ना इन ट्रेन की पटरियों पर रेल दौड़ भी नहीं सकती, दौड़ने लायक नहीं है, आज उस ट्रेन की पटरी पे ना 150 से 160 की स्पीड में ट्रेनें दौड़ रही है, वहीं पे आर्थिक स्तर में 12वीं GDP से आएंगे आपके पास, आएंगे आर्थिक स्तर में 12वीं GDP से 5वीं GDP पर है, मोदी जी के कार्यकाल में ये हुआ। इसके अलावा जो राफेल विमान बाहर से आए हुए थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। उसके अलावा आर्थिक स्तर की अगर बात करी जाए तो वहीं देखेंगे प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती ही रहेगी। तो आर्थिक स्तर पर जवाब देने का इस भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, उसके मैंने सवाल दिया कि कैसे आर्थिक स्थिति में भारत पिछले 10 सालों में आगे बढ़ा है। अगर आप मोदी जी से पूछे ना उन्होंने देश के लिए क्या किया, राम मंदिर बना दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या किया, राम मंदिर बना दिया।